जल्दी से आप ज्वाइन कर लोगे तो आपकी क्लास सही चल रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और काफी सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है ना, काफी बेसिक बेसिक चीजों को हमने देखा। तो ये अगर किसी की फर्स्ट क्लास है तो एक बार जल्दी से आप ध्यान से सुन लोगे। कभी मैं क्लास के बीच में अगर आप सभी से बोलूँ कि पोल में आंसर करना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वाले पे क्लिक करोगे आप, एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस खुलता है जहाँ आपको वन पोल एक्टिव लिखा हुआ दिखेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके चार ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस पर भी क्लिक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वोट पर क्लिक करोगे, वोटेड लिखा हुआ आएगा, तभी आपका आंसर सबमिट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और आंसर करने के बाद आपको तीन बार बैक करोगे तो आप वापस से इस वाले स्क्रीन पर आ जाओगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई पोल में आंसर कैसे करें। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, अब तक हम लोगों ने क्या किया। तो एक से बीस तक के टेबल तो हमने कवर कर लिया, पहाड़ कैसे बनाते हैं ये भी सीखा है ना, एक ही संख्या को बार बार जोड़कर या संख्या को गुणा करके पहाड़ा लिखा जा सकता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास में गुणन के कुछ महत्वपूर्ण नियम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करने के, गुणा करने का कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, वही नियम पढ़ाया गया था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको यही बताया गया था कि किसी भी संख्या में अगर आप एक से गुणा करो तो क्या मिलेगा, यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि अगर मैं पांच में सर एक से गुणा कर तो हमें क्या मिलेगा, पांच मिलेगा, है ना, यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपने ये सीखा कि किसी भी संख्या में आप अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस बार पांच की जीरो से मल्टीप्लाई करूँ, पांच की अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। एक उदाहरण और लेते हैं, 3.4 की आप अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, ये सीखा। अगर हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास कुछ और संख्या है, तीन चार संख्या, मान लो आपके पास लिखा हो 3 × 8 × 7 × 6 × 0, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा गया इसका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर एक अगर जीरो दिख रहा है तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जीरो मिलेगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। चलिए, इसके अलावा हमने एक चीज और सीखा, मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 130 की मल्टीप्लाई करो आप 5000 के साथ, तो आपका आंसर क्या होगा, ये भी सिखाया गया था। आप क्या करोगे, बोलोगे सर जीरो को छोड़ के जो नंबर दिख रहा है बस उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से। और आपको पता है कि अगर मैं 13 की 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 13×65 होगा, है ना, तो 65 आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अच्छा ये आंसर गलत क्यों आ रहा है काफी लोगों का, ध्यान से देखिए 13×5 कितना होता है, बस इतना बताओ 65 होता है ना, चैट में सोच समझ के लिखो आप, 13×65 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो कितना लगाओगे, आप बोलोगे सर एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो लगा दिया, तीन जीरो यहाँ पर दिख रहा है ना तो तीन जीरो और लगा दो। क्लियर हुआ, कितना समझ में आया। चलो एक मैं उदाहरण और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखू 19 तो मैं 1900 लिख दिया और यहां पर मैं लिखता हूं 300, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर चैट सेक्शन में ध्यान से सोच के लिखिए। 1900 की अगर 300 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, आप बस 19 के 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ फिर। ठीक है, चैट में लिखिए जल्दी से। तो आप बोलोगे सर 19 के 3 से मल्टीप्लाई करने पर 57 मिलता है, 57 मिलता है, जीरो कितना लगाइएगा, आप बोलोगे दो जीरो यहाँ पर दिख रहा है तो दो जीरो लगा दिया, दो जीरो 303 के बाद दिख रहा है तो यहाँ पर दो जीरो और लगा दिया। तो ये आंसर, इतनी बातें क्लियर है सभी को, इतनी बातें क्लियर है। हाँ यार, अगर मैं बोलूं 12 की 1000 से गुना करो कितना मिलेगा, 12 की 1000 से गुना करके कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 1000 से गुना करना, 100 से गुना करना, है ना, ये सारे काफी आसान होते हैं। 12 की 1 से गुना करोगे 12 मिलेगा और 3 जीरो यहाँ दिख रहा है तो 3 जीरो लगा दोगे 12000 मिल जाएगा। 13 की 1000 से गुना करोगे 13000 मिलेगा, 15 की 1000 से गुना करोगे 15000 मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको पोल में देना होगा। तो अभी मैं बता रहा था पोल में कैसे आंसर करते हैं, जाइए पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है,
अच्छा हो सकता है अभी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, तो अगर फिर से स्क्रीन दिखेगा तो चैट सेक्शन में मुझे लिख के आप बताओगे। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है, तो अभी आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करो। अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूँ। ट्राई करो, देखो अभी पोल में क्वेश्चन है 150 की आप अगर 800 से गुना करोगे आंसर कितना मिलेगा? हाँ, जिनका पोल नहीं चलता, जिसके फोन में पोल नहीं आता, ठीक है, बस उनको मैं कहता हूँ कि आप वो लोग बस क्या करोगे, अभी सॉल्व कर लो। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस वक्त आप सॉल्व करके अपने कॉपी पर नोट करके लिख लो, ठीक है। अब मैं जब पोल एंड करूंगा फिर आपका चैट ओपन कर देता हूँ ना हर बार, फिर आप चैट में आंसर लिख दे। लेकिन चैट में वही बच्चे को लिए बोला जाता है जिनका पोल नहीं आता। ट्राई करें, 150 की अगर मैं 800 से गुना करूं तो क्या आंसर मिलेगा? अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हो, तो जल्दी से मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों का भी आंसर आ गया है, और कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए हो। आप ट्राई करो जल्दी से, जो भी आपको सही लगता है वो करो। ठीक है, 10 सेकंड रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप अब तक नहीं किए हो तो ट्राई करो करने के आंसर। कुछ बच्चे अभी भी मुझे दिख रहे हैं जो आंसर नहीं किए हो। 5 सेकंड और, ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अभी आप चैट में लिख सकते हो आंसर, ठीक है। सो आपका पोल नहीं आता तो आप जल्दी से लिखोगे, ठीक है, और जो बच्चे पोल में आंसर दे देते हो उनको जरूरत नहीं है कि आप फिर से चैट में लिखो, आंसर पोल में देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 150 के गुना करेंगे 800 के साथ, ठीक है, 150 लिख दिया और यहाँ पर 800 लिख दिया। मुझे बस इतना बताओ कि अगर आप 15 की 8 से गुना करो कितना मिलेगा? सिर्फ 15 को 8 से गुना करके 15 8 कितना होगा? तो आप कह रहे हो सर 120 होता है ना, ये टेबल तो याद है ना, 15 की टेबल याद होनी चाहिए, 120 होता है। यही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए आंसर होगा, हाँ या ना? 120 ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए? तो आप बोलोगे नहीं सर 120 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 के बाद एक जीरो भी है ना, तो एक जीरो में यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, एक जीरो यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या देख लो, 800 के बाद 2 जीरो दिख रहा है, 8 के बाद 2 जीरो दिख रहा है, तो 2 जीरो और लगाओ, यानी 12 के बाद कितने जीरो होने चाहिए? 1 2 3 4 जीरो। कौन से ऑप्शन में है? तो ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है और यहाँ हमें 4 जीरो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये समझ में आया? सी नहीं होगा, ध्यान दीजिए, काफी बच्चे सी बोल रहे थे, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है सभी का? तो ध्यान से देखना है, 4 जीरो आएगा 12 जीरो। इतना समझ में आया तो यस लिखिए, काफी आसान सा था, ठीक है। क्या किया, 15 की 8 से गुना किया, 15 8 120 और 3 जीरो बाद में लगा दिया, तो 120 के बाद 3 जीरो, या बोलो 12 के बाद 4, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। देखो क्या है, गणना के आधारभूत नियम, मतलब सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। तो मैथ्स में कैलकुलेशन करने के लिए आप अलग अलग ऑपरेशंस का यूज करते हो, ठीक है, उसी का कुछ बेसिक रूल सीखते हैं, है ना। देखो ऑपरेशंस किसे कहते हैं, पहले आप ऑपरेशंस सीखो, जिसे संक्रिया कहते हैं, है ना, संक्रिया। तो मैथ्स में संक्रिया क्या है, जो आप जोड़ करते हो ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, है ना। तो इन्हों पहले तो अभी चार की बात करते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये सारे क्या है, इसे संक्रिया कहते हैं। जब भी मैं संक्रिया कह रहा हूँ या ऑपरेशन कह रहा हूँ, आप समझना जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है जिसके बारे में भी थोड़ी देर में सीखेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ नंबर लिखा हुआ है 5 + 3, इसका मतलब क्या हुआ, अब 5 और 3 को जोड़ रहे हो,
अगर मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस 3, इसका मतलब 5 में 3 को घटा रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, गणना कर रहे हो, है ना। तो कैलकुलेशन के कुछ नियम होते हैं। तो इसमें हमें सीखना क्या है, इसमें हमें बॉडमास का नियम सीखना है। बॉडमास का नियम में कोई थ्योरी नहीं, ठीक है, बस आप उदाहरण से सीखोगे। जैसे मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ठीक है, बॉडमास का नियम पढ़ने के पहले अगर मैं ऐसे लिख 5 + 3 × 2, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे आप, इसको सोल्व करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। 5 + 3 × 2 को सोल्व करके कितना मिल रहा है, ठीक है, कभी सभी के आंसर आ रहे हैं 16, ठीक है, 16 आ रहे हैं सभी के, वंशिका का आंसर आ रहा है 11, बाकी सभी बच्चे का आंसर आ रहा है 16। देखो यहाँ इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। मान लो आपने ऐसे किया कि सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 + 3 × 2, पहले जोड़ लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 5 में 3 को आपने जोड़ दिया और बोला 8 × 2 और आंसर बोल दिया 16, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप 5 को ऐसे ही रहने दिया और ये 3 मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 × आपने क्या किया, 5 को इसी तरीके से लिख दिया और 3 और 2 को गुना किया, 3 और 2 को गुना करके आप 6 लिख रहे हो और 6 में आप 5 जोड़ा तो आपने 11 आपको मिला, ठीक है। दो चीज दिख रहा है, या तो 16 या 11। अब इसका आंसर 2 तो नहीं हो सकता, है ना, या तो 16 सही होगा या 11 सही होगा, इसमें से तो कोई एक ही सही होगा ना। तो आप बताइए कौन सा सही होगा, 16 सही होगा 11 सही होगा। तो आंसर देखिए ये सही होगा, 11 सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या आ रहा था, 16 आ रहा था, है ना। तो आंसर क्या सही हुआ, 11 सही हुआ। क्यों, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पहले तो जोड़ लिखा हुआ था तो आपने पहले जोड़ा, बाद में गुना लिखा हुआ था तो आपको आपने गुना किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर जोड़ और गुना मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दो संख्या एक साथ आ जाए तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले क्या करोगे, पहले गुना करोगे उसके बाद जोड़ोगे। तो बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है ना, पहले जोड़ेंगे कि पहले गुना करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ दो था, ऑपरेशन तो और भी काफी सारे हैं, घटाव है, भाग है, अगर एक साथ दो से अधिक संख्या आ जाए पहले कौन सा करेंगे बाद में कौन सा करेंगे, यही बताता है बॉडमास का नियम, ठीक है। तो इसमें समझिए पहले बॉडमास का मतलब क्या है। यहाँ पर जो भी बॉडमास में अल्फाबेट दिख रहे हैं सभी का एक मतलब है। बी का मतलब देखो ब्रैकेट होता है, ठीक है, इसको समझिए, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखते हो या कई बार ऐसे लिखते हैं या कई बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ होता है, ठीक है, इसको साथ के साथ नोट करते चलिए, जिसे हिंदी में का कहते हैं, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब देखो डिवाइड होता है, भाग लगाना, है ना, जिसको कहते हो भाग लगाना, ठीक है, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, साथ के साथ नोट करते चलिए, मैं सारे के लिए भी समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई, है ना, जिसका मतलब गुना करना, ठीक है, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ ऐड करना, है ना, यानी एडिशन भी कह सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, जिसका मतलब हुआ जोड़ना, है ना, जोड़, जिसको आप ऐसे लिखते हो। और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन जो भी कहो, और इसका मतलब होता है घटाओ, ठीक है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो पहले तो ये सारी चीजें को याद कर लो, बॉडमास का मतलब, बॉडमास का फुल फॉर्म क्या हुआ, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, बी का मतलब डिवाइड। अच्छा ऑफ क्या होता है, तो ऑफ भी एक तरीके का गुना होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग लेटर सभी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या देखना है, बी डी एम ए एस, ठीक है, ये 3-4 चीजें को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 चीजें को देखा, वो को अभी के लिए नहीं देखा। ये याद हुआ सभी को, बी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या हुआ और एस का मतलब क्या हुआ, इतना याद हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस पेज की तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सारी चीजें यहाँ लिखी। अब इसका मतलब समझो, कभी भी हमारे पास कैलकुलेशन में 2 या 2 से अधिक अलग अलग संक्रिया, संख्या का मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग या ब्रैकेट, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे,
क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तभी। उसके बाद आप डिवाइड करोगे, ओ को अभी के लिए नहीं कर रहे, इसकी बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिवीजन करें, पहला नंबर ये होगा, उसके बाद डिवाइड करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है, और लास्ट में जाकर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाव करेंगे, ठीक है। तो ये समझिए, पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब वर्ड मास को आप लिख लो इस तरीके से, डी ओ डी एम ए एस। तो आपको इस तरफ से बढ़ना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है। जो भी लेटर आपको पहले दिखता है वो काम पहले करें, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर किसी एक क्वेश्चन में जोड़ भी है और मल्टीप्लाई है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले जोड़ोगे कि पहले मल्टीप्लाई करोगे? जोड़ के लिए ए लिखिए, मल्टीप्लाई के लिए एम लिखिए, पहले क्या करेंगे ये बताइए। पहले एम करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, बॉर्ड मास में पहले एम दिख रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में जोड़ेंगे, ठीक। इतनी क्लियर है बातें? मुझे बात बताओ, अगर किसी क्वेश्चन मैं तीन चीज लिख दे रहा हूं, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में माइनस भी है, ठीक है, माइनस मतलब घटाव है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, इसके लिए आप एस लिखते हो, साथ में कह रहा हूँ गुना भी है, ठीक है, इसके लिए आप एम लिखते हो, और साथ में भाग भी है, तीनों ही संक्रिया एक साथ आ गई, इसके लिए डिवीजन करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले आप बोलोगे, सर सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, बॉर्ड मास में डिवीजन पहले दिखता है, डी सबसे आगे दिख रहा है, जो सबसे आगे दिख रहा है वो पहले करेगा, पहला काम डिवीजन करना होगा। दूसरा काम क्या होगा, डिवीजन करने के बाद क्या करोगे, डिवीजन करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डी के बाद एम दिखता है ना, दूसरा काम ये करेंगे, और तीसरा काम क्या करोगे, उसके बाद आप घटाओगे, सबसे आखिरी में घटाओगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी, और जिससे फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं सोचिएगा कि पहले अगर जोड़ लिखा हुआ है पहले जोड़ देते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। पहले कुछ भी लिखा हुआ रहे, हम लोग बॉर्ड मास को फॉलो, इसका देखिए एक बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इस टाइप से लिखा हुआ है, 5+4-2, ठीक है, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले क्या करना चाहिए, पहले जोड़ना चाहिए, पहले घटाना चाहिए, पहले आप जोड़ोगे तो पहले घटाओगे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है ना, इसमें बस जोड़ और घटाओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले एडिशन करेंगे, ठीक है, पहले आप एडिशन करोगे, उसके बाद घटाओगे, तो देखो इसको मैं पहले जोड़ रहा हूं, 5+4-9-2, और यहां से 7 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पहले घटा देता तो क्या होता, अगर इसमें आप पहले घटा के देखो, 5+4-2 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और फिर से 7 मिल रहा है क्या, फिर से 7 मिल रहा है। तो अगर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव है, तो आप पहले कुछ भी कर सकते हो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर हुआ? तो उदाहरण से समझना है आपको, जैसे मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन में जोड़ और घटाव है, तो आप पहले कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, 6+4-1, पहले आप जोड़ दो, ये बताओ 6 और 4 को जोड़ के कितना मिले, 4 मिले, 6 और 4 को जोड़ के कितना मिले, मैं पहला मेथड से बना रहा हूं, ठीक है, 6 और 4 को आपने 10 लिखा, 10 में से 1 घटा दो, कितना मिला, 9 मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। दूसरे मेथड से आप क्या करो, पहले आप 4 में से 1 घटा दो, 6 को ऐसे लिख दिया, 4 में से 1 घटा के बोलो कितना मिलेगा, 4 में से 1 घटा के 3 मिलेगा, और 6 में 3 जोड़ा तो 9 मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखिए, आपको लग तो रहा था कि बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले जोड़ना चाहिए था, बाद में घटाना चाहिए था, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव है, तो इसमें हम कुछ भी पहले कर सकते हैं, इतना क्लियर है, जोड़ घटाव में पहले कुछ भी कर सकते हैं, अगर सिर्फ यही दो ऑपरेशन। और एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर से,
ये क्या बताएगा आपको, वार्ड मास का नियम। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सारी चीज अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप इसको ट्राई करो, 4 + 3 × 7 और मुझे बताओ आंसर कितना। ट्राई करो सॉल्व करने का, खुद से सॉल्व करो चैट और आंसर बताओ। देखो पहले जोड़ लिखा हुआ है, बाद में गुना लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो कि आपको पहले क्या करना होगा। वेरी गुड। तो यहां पर आप बोलोगे सर दो चीज दिख रहा है, ध्यान से समझिए, जोड़ और गुना। पहले क्या करेंगे बताइए, बस इतना बताओ कि पहले क्या करोगे। पहले m मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे पहले मल्टीप्लाई, कोई बता सकता है क्या? बताइए जल्दी से, माइक ऑन करके बताइए, पहले मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि सर बदमाश के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई पहले आता है। वेरी गुड, है ना। बॉडमास में मुझे मल्टीप्लाई पहले दिखता है, एडिशन बाद में दिखता है, ये बाद में दिखता है बॉडमास, है ना। तो जोड़ने के लिए आप ए लिखते हो एडिशन, मल्टीप्लाई के लिए आप एम लिखते हो, एम पहले दिखता है तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, है ना। बस बॉडमास को ऑर्डर को फॉलो करना है और कुछ नहीं है बॉडमास, इसमें कुछ बड़ा सा थ्योरी नहीं है, बस बॉडमास को याद रखो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चार को तो ऐसे ही लिख दिया, जोड़ को ऐसे ही लिख दिया, और चार और तीन को गुना करके आप बोलोगे सर 21 आएगा, और 21 में चार को जोड़कर आप क्या बोलोगे, ये हमारे पास 25 आंसर आ रहा है। क्लियर है सभी का, ये बात तो समझ में आई, ठीक है। अब देखो मैं यही क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दूं, देखो क्वेश्चन सेम लिख रहा हूं, 4 + 3 × 7, बस मैं सिर्फ यहां पर अगर ब्रैकेट लगा दूं तो क्वेश्चन अब बदल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप, और इसको देखो आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा अलग है। अगर मैं 4 + 3 को ब्रैकेट में लिख दूं, इस बार आंसर कितना आएगा? तो एक आंसर आया है वंशिका का 49, आपका भी आंसर आया, ठीक है, रोहित 49, चलिए सभी का 49 आ रहा है। ऐसा क्यों 49 क्यों आंसर आ रहा है? अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है, चेक, ठीक है। यहां पर हमें दिख रहा है पहले जो यहां एक जोड़ दिखा और एक गुना दिखा, पहले हम जोड़ेंगे पहले गुना करेंगे? पहला जोड़ेंगे जी। क्यों जोड़ेंगे? आपने समझाया था वो, मैंने तो समझाया कि पहले गुना करेंगे ना जी, पहले आपने कहा था बूढ़ो मुख। देखो अगर ब्रैकेट नहीं होता ना तो पहले गुना करते बाद में जोड़ते, ठीक है, ये बता गया। अच्छा माइक बंद कर दो, ठीक है, माइक बंद करो पहले, ठीक है। अच्छा किसी का माइक ऑन है आपका? कर रहा जी। हां आशीष, ठीक। देखो यही पढ़ा है कि पहले तो गुना किया जाता है बाद में जोड़ा जाता है, लेकिन एक चीज और हमें दिख रहा है, ब्रैकेट भी तो दिख रहा है यहाँ पर, ब्रैकेट दिख रहा है नहीं दिख रहा? ब्रैकेट दिख रहा है ना, बॉर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा सर जोड़ और गुना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक ब्रैकेट भी दिख रहा है, और सबसे पहला काम ब्रैकेट होता है ना, सबसे पहला काम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बॉर्ड मास में सबसे पहला लेटर बी है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जोड़ रहे घटाव रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 + 3 × 7 में पहले इसको जोड़ दोगे ना, तो यहाँ पर जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ब्रैकेट में, समझ में आया। इसको आप लिखोगे 7 × 7 और यहां से आएगा 49, ये बताइए इतनी बातें क्लियर हुई? आप यहाँ पर पहले गुना करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, सुबह एक बार आप जल्दी से लेफ्ट करो और ज्वाइन हो जाओ, स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। मैं जहां तक देख रहा हूँ सभी को दिख रही है इसकी, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे कि जोड़ते पहले, ठीक है, जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है, आप बोलोगे सर ब्रैकेट सॉल्व किया जा रहा है पहले, ठीक है, और कुछ नहीं देखा, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है सुबह आपको? चलिए इस पेज के स्क्रीन शॉट लो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ, 4 + ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका वो हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो 49 आंसर आया, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो 25 आंसर आया, तो दोनों ही के सॉल्यूशन अलग अलग है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रश्न 1 है इसको ट्राई करो, मुझे बताओ 45 - 36। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के पहले
मैं कुछ बातें आपको बता दूं, अभी ध्यान से सुन लेना उसके बाद क्वेश्चन करना। कभी भी आपको इस तरीके से लिखा रहे ए भाग बी, ए में बी से भाग लगाना, इसका मतलब क्या होता है, ए को आप बी से भाग लगा दे, ठीक है, ए को बी से भाग लगा दे बस। अगर मैं लिख रहा हूँ 12 भाग 6, इसका मतलब क्या होगा, 12 को आप 6 से डिवाइड कर दो, है ना, इसका मतलब क्या होगा, 6 का आप टेबल पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कितने बार में आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 को 12 से काट देंगे, 12 को 6 से काटेंगे और आंसर 2 आएगा, क्लियर है। जीरो है, पहले लिखा दो। मुझे ये बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं 80 या मैं लिखूं 40 भाग 5, तो इसका मतलब क्या आएगा ये बताइए। अच्छा आशीष आपका फिर से माइक ऑन है, आप माइक बार बार ऑन कर रहे हो, आप माइक बंद कर दो, क्योंकि आपको माइक पर टच ही नहीं करना है, ठीक है, कोशिश करो तो वहां पर टच ना हो। 45 डिवाइडेड बाय 5 ये बताओ पहले, तो आप बोलोगे सर 40 को 5 से आप भाग लगाओगे और 5 के टेबल पढ़ोगे तो कितने बार में कटेगा, 5 8 40, है ना, तो यहाँ से 8 कटेगा। इतनी बातें क्लियर सभी को, डिवाइड कर लोगे। उसके बाद एक चीज और सीखो, अगर मैं किसी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करूँ, जैसे कि आप कह रहे हो ए में आप अगर ए से भाग लगाओ तो क्या मिलेगा, ये कोई बता सकता है क्या, ए में अगर ए से डिवाइड करूँ इसका मतलब ए बटा ए, किसी भी संख्या में आप अगर उसी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो ए नहीं आएगा, एक आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ए नहीं कहोगे, वही संख्या नहीं आती, एक आता है, तो ये याद करो, ठीक है। तो ये क्या याद किया आपने कि अगर मैं कभी लिख दूं 5 भाग 5 तो इसका आंसर कितना आएगा, मुझे बताइए 5 आएगा या बी ऑप्शन एक आएगा, 5 आएगा कि एक आएगा, 5 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो एक आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 325 में अगर मैं 325 से भाग लगा दूँ तो क्या आएगा बताइए, इसका मतलब 325/325 है ना, ठीक है, तो ये आंसर एक आ जाएगा। क्लियर हुआ इतनी सारी चीजें, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए भाग बी, इसका मतलब होता है ए बटा बी, और दूसरा चीज आपने ये सीखा कि ए में अगर मैं ए से भाग लगा दूँ तो आपका एक आता है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करिए, अब पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, 45 - 36 भाग 9 आंसर कितना आ रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर 41 कह रहे हो, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 41 है ना, ठीक, ट्राई करो, चलो इसको मैं सोल्व करूं। यहां पर दो चीज है, बस मुझे इतना बताओ कि पहले आप घटाओगे पहले आप डिवाइड करोगे, घटाने के लिए एस लिखिए, डिविजन के लिए डी लिखिए, पहले आप क्या करोगे, डिवीजन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, साफ बात है, पहले बोलोगे डिवीजन पहले दिखता है सर, डी पहले दिखता है, एस तो बाद में आता है ना, पहले डिवीजन कर लो, तो डिवीजन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 45 लिख दिया इस तरीके से, -36 लिख दिया, और जो भाग 9 है इसको मैं नीचे लिख दिया, ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 45 36 को मैं 9 से भाग लगाऊंगा कितने बार में कटेगा ये बता सकता है कोई, 4 बार में, 9 चौके 36 होता है, तो ये 4 आएगा, 45 में 4 को घटाओगे तो 41 आएगा, बातें क्लियर है, ये समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या, दूसरा वाला बताइए अगर ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। देखो यहां भी सेम क्वेश्चन है, माइनस और डिवीजन ही है, घटाना है और भाग देना है, लेकिन इस बार क्या करोगे, इस बार आप पहले डिवाइड नहीं करोगे, इस बार आप पहले घटाओगे, आप बोलोगे क्यों सर पहले घटाएंगे क्यों, पहले तो डिवीजन करते हैं बाद में सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, लेकिन मैं बोलूंगा कि देखो बॉडमास में सबसे पहले तो बी दिखता है ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो पहले करेंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 45 में से 36 घटाओगे तो आप बोलोगे 9 आएगा, और 9 में 9 से भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा, अभी आपको बताया जा रहा था ना कि किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग लगाओगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये दोनों समझ में आया, अगर ये दोनों ही समझ में आ गया तो चैट में वाई लिखिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, आगे समझ में, ठीक है, वाई लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सोल्व करो जल्दी से, अगर मैं लिखूँ 6 + 4 × 2, ये काफी आसान सा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए, ये बताइए कितना आ रहा है,
ध्यान से कीजिएगा, जोड़ और गुना है, पहले आप गुना करोगे पहले जोड़ोगे, तो हमेशा बॉड मास को लिखिए, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे है ना, उसके बाद जोड़ेंगे। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, जोड़ और गुना, और जोड़ और गुना में आपको याद है बॉड मास में पहले एम दिखता है बाद में ए दिखता है ना, तो पहले गुना करेंगे बाद में जोड़ेंगे। अच्छा किसी का माइक ऑन था तो आपको क्लास को इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना, जो भी बच्चे हैं ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे, तो छह को मैं इसी तरीके से लिख दिया छह, और चार को दो से गुना करके क्या बोलोगे, चार दूनी आठ, और छह और आठ को जोड़ने पर 14 मिलता है, तो आंसर 14 होगा। क्लियर है ये? अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा। अगर मैं ऐसे लिख देता कि 6 + 4 गुना दो में, आप अगर पहले जोड़ दोगे 10 × 2 और अगर 20 का होगे तो ये आंसर गलत होगा। क्लियर है? वही मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन पे ट्राई कीजिएगा सही करने। क्वेश्चन नंबर 2, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 18 − 12 / 4, इसका आंसर बताइए। अगर मैं ऐसे लिख दूं 18 − 12 / 4, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो आपके आंसर क्या आ रहे हैं, 15। ठीक है, तो मैक्सिमम सभी बच्चों के, अच्छा सभी के आंसर 15 ही आ रहे हैं, इसके अलावा कोई अलग आंसर नहीं आया है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। आप क्या करोगे, बोलोगे सर घटाव दिख रहा है और भाग दिख रहा है, तो घटाव और भाग में पहले क्या करेंगे, घटाओ और भाग में पहले क्या करेंगे, पहले भाग दोगे ना, है ना। आप कहोगे बॉडी मास में पहले डी दिखता है बाद में एस दिखता है, तो पहले डिवाइड करेंगे बाद में घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 18 को 18 लिख दिए, माइनस को मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, और 12 को 4 से डिवाइड करके कितना लिखोगे, 12/4। इसका वैल्यू कोई बता सकता है क्या, 12/4 कितना होगा, हम लोग 4 × 12 होगा, तो यहाँ से आपको मिला 18 − 3, और ये आंसर आएगा आपका 15। ये क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, कोई भी डाउट हो जिस भी क्वेश्चन में आप पूछ लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा किसी का माइक ऑन हो रहा है, माइक आपको नहीं बंद करना, अब तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, तभी भी आपको क्लास में माइक नहीं बंद करना। क्वेश्चन 3 करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 4 + 4 + 4 × 3 − 1, इसको ट्राई करो। देखो यहाँ पर 2 से अधिक ऑपरेशन आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 4 + 4 × 3 − 1, तो ये गुना है। देखिए पहले आप क्या करोगे, गुना सर, अच्छा बताना नहीं है, आप सॉल्व करो अपने कॉपी पर, सॉल्व करो आंसर चैट में लिखिए। सॉल्व करिए और आंसर करिए। देखो यहाँ पर 3 चीज दिख रहा है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक तो जोड़ दिखा, एक गुना दिखा, एक माइनस दिखा, मतलब सब्ट्रैक्शन दिखा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम गुना करते हैं, बॉडी मास में एम पहले दिखता है तीनों में, है ना। बॉडी मास में आपको क्या पता है कि एम ए और एस में, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये जोड़ के लिए, ये घटाव के लिए, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहाँ पर ये वाली भाग को पहले करोगे, है ना, तो 4 + 4 / 12 − 1। अब यहाँ पर देखो आप कुछ भी पहले कर सकते हो, जोड़ और घटाव है तो इसमें आप कुछ भी कर दो, है ना। पहले मैं 12 और 4 को जोड़ दे रहा हूँ, 16 में से एक घटाया तो यहाँ पर 15 है। ये क्लियर है, यस या नो, ये समझ में आया तो यस या नो लिख दो, समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 × 3 / 2 + 3 × 6 − 1, इसको सॉल्व कीजिए, 2 + 3 × 6 − 1,
इसको सॉल्व करो। ठीक है, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक, चलिए इसको समझे। देखो यहाँ भी क्या करोगे, पहले गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन है, पहले आप गुना करो, तो गुना करने पे क्या मिलेगा, 2 प्लस 6 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर मिला 18 माइनस 1। अब इसको सोल्व करोगे क्या मिलेगा, 18 और 2 को जोड़ोगे, है ना। बॉडी मास में पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, लेकिन आप इसमें उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं जोड़ दे रहा हूँ। 18 में 2 को जोड़ोगे तो 20 मिलेगा, 20 में 1 को घटाओगे तो यहाँ से 19 मिलेगा। ये क्लियर है सभी का। देखो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर इसको इस तरीके से पूछू, अच्छा क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन में सेम लिख रहा हूँ, 2 प्लस 3 गुना 6 माइनस 1, और अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा दूँ, अब आंसर कितना हो, अगर इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा दूँ, क्वेश्चन 5 का आंसर बताइए। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपको पता ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो इस बार आप क्या करोगे, इस बार आप पहले गुना नहीं करोगे, आप बोलोगे सर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी गई है, तो 3 और 2 को जोड़ोगे आप, 3 और 2 को जोड़ के 5 मिलेगा, फिर आप यहाँ पर गुना लिख दिए, फिर यहाँ 6 और 1 को घटाओगे, और 6 में से 1 घटा के आपको फिर से 5 मिलेगा, और 5 और 5 को जोड़ने पर आपको 25 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 25 आएगा। क्लियर हुआ ये सारी चीजें, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन, चलिए अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से लिखूं, 30 भाग 5, ठीक है, प्लस 3 गुना 3, इसको ट्राई करिए, 30 भाग 5 प्लस 3 गुना 3, ठीक है, ये गुना है, ट्राई करो और चैट में आंसर लिखो। तो आंसर आ रहे हैं 15, ठीक है, देखता है क्या आंसर आने वाला। चलिए बस मुझे इतना बताओ कि यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, पहले डिवाइड किया, पहले जोड़ा, या पहले गुना किया। पहले डिवाइड किया, है ना, डी कह रहे हो आप लोग, मतलब पहले डिवीजन करें, है ना। आपको पता है कि बॉड मास में सबसे पहले इन तीनों में अगर मैं देखूं, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में, पहले मुझे डिवीजन दिखता है ना, तो भाग लगाएंगे पहले, तो आप बोलोगे सर 30/5 ऐसे लिख देंगे, और फिर लिख रहा हूँ 5 प्लस 3 गुना 3, ठीक है। 5 को अगर 30 से, 30 को अगर 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 6 30 आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 प्लस 3 गुना 3, और इसको सोल्व करने पे आपको क्या मिला, 3 और 3 को आप गुना करोगे तो आपको मिलेगा 6 प्लस 9, और नेक्स्ट 9 6 को जोड़ के 15 मिलेगा। ये क्लियर है, तो जिनके भी आंसर 15 थे मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, ठीक है। और क्वेश्चन करिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, 9, अच्छा रविंदर के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक कौन था, माइक आप बंद करो। तो क्वेश्चन नंबर है 9, जो भी क्वेश्चन है चलिए इसको ट्राई करिए, 96 डिवाइडेड बाई, यहाँ भाग है 12, और मैं इसे लिख रहा हूँ गुना 4 प्लस 8, इसको ट्राई करें, ठीक है, इसको सॉल्व करो। 96 भाग 12 गुना 4 प्लस 8, ध्यान से लीजिए, पहले क्या करोगे उसके बाद क्या करोगे। इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो ध्यान से कीजिए, अलग आंसर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 96 भाग 12 गुना 4 प्लस 8, देखो बस इतना बताओ,
बस मुझे इतना बताओ यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम डिवीजन करेंगे, भाग लगाएंगे। तो आप भाग लगाओगे तो मुझे ये आपको पता है कि पहले 96 12 से भाग लगाएंगे, तो 96 डिवाइडेड बाई 12 को आप लिख सकते हो ना ऐसे, 96 बाई 12, और ये हो जाएगा 12 8 96। ये समझ में आया? ये जो मैं साइड में लिखा हूँ ये समझ में आ रहा है? 96 को 12 से भाग लगाओगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको सोल्व करके 8। फिर यहाँ क्या लिखा है? गुना 4 प्लस 8, ठीक है। अब देखो भाग खत्म हो गया, गुना और जोड़ है। पहले आप गुना करोगे कि पहले जोड़ोगे? पहले गुना करेंगे कि पहले जोड़ेंगे? मल्टीप्लाई करोगे पहले? तो आप कर दो 8 की 4 से गुना, यहाँ मिला 32, 32 प्लस 8, और यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 40। तो आंसर क्या आया? 40 नंबर आया। ये क्लियर है सभी का? ये समझ में आया? तो मैं एक देखो यही क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 96 भाग 12 गुना 4 प्लस 8। अभी बताओ सेम क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ये दोनों क्वेश्चन सेम है जो अभी कराया था, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूँ, अगर मैं इस तरीके से कर दूँ, अब सोल्व करके देखो क्या आंसर आएगा। अभी भी आंसर 40 आएगा या बदल जाएगा, इसको सोल्व करके बताइए। अब जो नया क्वेश्चन दिख रहा है दाएं तरफ, ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करो और बताओ। 96 डिवाइडेड बाय 12 गुना 4 प्लस 8 को मैं ब्रैकेट में लिख दिया। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम आप जोड़ोगे। जोड़ने का मतलब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, है ना। ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर चाहे जो भी चीज है। तो अब यहां से आपको क्या मिल रहा है? 96 भाग 12, और इसको आप जोड़ दोगे, है ना। तो इसको आप जोड़ कर क्या बोलोगे? इसको जोड़कर आप बोलोगे गुना 12, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब पहले भाग देंगे फिर गुना करेंगे। बॉर्ड मास में पहले डी दिखता है फिर एम दिखता है ना, बॉर्ड मास है, BOD MAS, डी के बाद एम आता है। पहले आप डिवाइड कर दो, 96 बट्टा 12 गुना 12, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 12 को अगर 12 से अगर काटोगे 96 को, तो 8 बार में कटेगा, और यहाँ से मिला हमारे पास 8 गुना 12 यानी 96। देखो एक ब्रैकेट लगाने से आंसर हमारा 40 से 96। ये समझ में आया सारी चीजें? तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो अभी मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो आपके लिए काफी आसान होगा, तो आप काफी जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे, ठीक है। अभी पोल में आंसर करते हैं। अब तक आपने चैट में आंसर दिया, अब पोल में आंसर आएगा। आ गया ना सारी चीजें समझ? तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, ट्राई करें सर। सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। 24 माइनस 4 भाग 4, ट्राई करो। बस अगर आप ये डिसाइड कर लो कि पहले क्या करेंगे, आपका आंसर सही होगा। देखिए पहले हमने घटाएंगे या पहले आप भाग दो। भाई सर ट्राई करो, इसे बताना नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको आंसर चैट में देना। अभी आपका चैट बंद होगा, आपको सॉल्व करना है अपने पास। सॉल्व करो, पोल में आंसर करो। बी है जिसका। अच्छा आंसर बताने के लिए नहीं बोला गया था ना आशीष, ठीक है। माइक कभी भी नहीं ऑन करना, आंसर बताने के लिए भी आपको माइक नहीं ऑन करना। आप पोल में आंसर करो ना, आपको पता है पोल सेक्शन के बारे में। ट्राई क्या करो कि हर बच्चा पोल में आंसर करो। हो सकता है कई बार आप लोग कहते हो ना कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही है, हो सकता है पोल में आप आंसर नहीं कर पा रहे हो साथ, इसलिए अटेंडेंस नहीं लगती। तो पोल अगर आता है आपके फोन तो पोल में आंसर करो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। चलिए 5 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, 5 सेकंड और है। अगर अब तक नहीं आंसर किया तो ट्राई करो, जल्दी से कर लो आप आंसर। पोल में दिक्कत नहीं आई, आंसर पता नहीं हमने क्या बोला, फिर से बताओ आशीष। पोल में आंसर कैसे लिखा जी, आप बता दे, पोल में लिख के भेजो। पोल में लिखना नहीं है, पोल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप अभी क्लास के एंड में रुक जाओगे, ठीक है। क्लास लेफ्ट करके नहीं जाओगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, पूछ के जाना, ठीक है। पोल को एंड कर दो।
क्लास के शुरुआत में बताया था ना, ये सारी चीजें आपको सुनना होता है ध्यान से, हर दिन मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में। देखो 24 माइनस 4 भाग 4, मैं तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 24 माइनस 4 भाग 4। सबसे पहले आप डिवीजन करोगे, आपको पता है डिवाइड पहले करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाग में घटाते हैं, ब्रैकेट तो यहाँ पर है ही नहीं, ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 24 माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा बताओ, 4 में 4 से भाग लगाओगे तो 1 मिलेगा ना, आपको पता है किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 24 माइनस 1 हो जाएगा, 24 में से 1 घटाओगे तो आपको 23 मिलेगा, आंसर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ। ये क्लियर है सभी का, इतनी बातें क्लियर है, आप सभी के आंसर ऐसे सही आए थे है ना। अगला क्वेश्चन करिए, ट्राई करो इसे। अच्छा इस क्वेश्चन में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, आप सॉल्व करो, अपने कॉपी पर नोट कर लेना आंसर, पोल में आंसर करो, पोल अगर नहीं पता पोल के बारे में या पोल में नहीं कर पाते हो तो मैं चैट ओपन जब करूंगा उसके बाद आप चैट में आंसर। देखो आप यहाँ पर पहले जोड़ेंगे कि पहले गुना करेंगे, दो चीज दिख रहा है, जोड़ और गुना, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर किया, कुछ बच्चों का भी रहता है, जैसे ही मैं सभी बच्चे करेंगे पोल को इंटर पे डिस्कस करूंगा, तो जो भी आंसर नहीं किया जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की, 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको मैं एंड करूंगा, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया। पांच सेकंड और, 5 4 3 2 एक, अब एंड करते हैं इसको। अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, 3 प्लस 3 3 प्लस 3 गुना 3, मतलब 3 में 3 को जोड़ना फिर 3 से गुना करना है, पहले जोड़ेंगे कि पहले गुना करेंगे, आपको बताया गया है कि अगर जोड़ और गुना है तो बॉडमास से पहले एम आता है बाद में ए आता है, तो पहले आप गुना करोगे बाद में आप जोड़ोगे है ना, पहले गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको आप पहले गुना कर लो, 3 और 3 की पहले गुना करें, 3 प्लस लिख दिया और 3 और 3 को गुना करके 9 लिख, और 9 में 3 को जोड़ोगे तो आपको 12 मिलेगा है ना, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये क्लियर है सभी का, इतनी बातें क्लियर है, हमारा आंसर डी क्यों सही हुआ, ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में देखो 3 ऑपरेशन आ गए, माइनस प्लस और गुना, ट्राई करो इसे करने की, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सीखा है अभी, अगर 3 भी ऑपरेशन है तो फिर आप देखो कि पहले क्या करेंगे, जोड़ घटाओ गुना में, (8 - 7 + 6)4 ट्राई करो। कैमरा ट्राई करो कि कभी भी क्लास के बीच आपका माइक ऑन नहीं, ठीक है, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है क्या सभी को, ट्राई करो, काफी कम बच्चे का आंसर आया है। सर अच्छा माइक नहीं ऑन करके बताना, ठीक है, अच्छा मैं अगर बार बार ये सारी चीजें बोल रहा हूँ तो इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, तो अब तक आप लोगों ने काफी सारे क्लास कर चुके हो आप लोग, ठीक है, तो अब तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए माइक बंद रखना है, पोल में आंसर करना है, ये सारी बेसिक बात है।
20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको मैं एंड करूंगा, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। जो भी आपका सही लगता है आपका आंसर करो, आप ये मत सोचो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने गलती क्या की। फिफ्टीन सेकेंड्स और 15 सेकंड, 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, चलिए इसे समझते हैं। देखो यहां पर तीन चीज दिख रहा है ना आपको, एक चीज दिख रहा है माइनस यानी घटाओ, फिर दिख रहा है जोड़, उसके बाद दिख रहा है गुना, तीन चीज दिख। सबसे पहले मैं क्या करूं, जोड़ दूं, घटा दूं या गुना करूं, ये बताइए, बस इतना बताइए, जोड़ना है घटाना या गुना करना, पहला ऑपरेशन आप क्या करोगे, पहला ऑपरेशन मल्टीप्लाई करेंगे, एम करेंगे, है ना, बडमास में इन तीनों में सबसे पहले एम दिखता है, पहले आप ये वाली चीज पहले करोगे, गुना कर दोगे, 6 के 4 से गुना कर दोगे, 8 - 7 + 6 × 4 में आप अगर ये वाले भाग को देखो 6 में 4 के गुना, तो अगर ये आप कर दोगे तो कितना मिलेगा, ये 24 मिलेगा, ठीक है, ये 24 मिला। अब यहाँ पर देखो दो चीज दिख रहा है, जोड़ और घटाओ, सिर्फ जोड़ और घटाओ ही दिख रहा है ना, तो यहाँ पर होना तो चाहिए, अब देखो गुना तो हो गया, गुना खत्म हो गया, बस जोड़ और घटाओ, देखो यही चीज आपको क्लास के शुरू में बताया जा रहा था, होना ये चाहिए कि पहले आप जोड़ दो फिर घटा दो, लेकिन इसमें आप कुछ भी पहले करो, पहले जोड़ दोगे तो भी सही होगा, पहले घटा दोगे तो भी सही होगा, इसमें आपका गलती नहीं होगा। बस अगर जोड़ और घटाओ का बात है तो आपको बॉड मास के अलग भी जा सकते हो, मतलब पहले सब्ट्रैक्ट कर दो बाद में ये कर दो तो भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 8 में से मैं 7 को घटा दिया पहले, है ना, ये ज्यादा आसान लग रहा है, तो 8 में से 7 को घटा दिया तो 1 लिख दिया, और 1 में अगर आप 24 को जोड़ दो तो आंसर 25 आएगा, तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्लियर है सभी का, जोड़ घटाओ में सर अगर सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाओ ही है तो हम लोग कुछ भी पहले कर सकते हैं, आंसर हमारा सही आ, ठीक है, इसलिए किया 25। फिर ये सारी चीजें क्लियर है तो बताओ जल्दी से वाई लिख के। अच्छा आशीष आपका डाउट है, आप माइक ऑन करो और बताओ क्या नहीं समझ में आया। अच्छा आशीष तो आप तो आंसर भी ही कर रहे हो ना, समझ में आया ना आंसर तो आपका सही, ठीक है, समझ में आ गया तो वाई लिख के, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इस क्वेश्चन को करिए, इसको ट्राई करो। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, 13 - 4 × 3, ये बताइए कितना, पहले घटाएंगे कि पहले गुना करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये देखो काफी आसान सा क्वेश्चन, इसको करने में ज्यादा से ज्यादा बिना कॉपी पेन का भी कर सकते हो, मन में कर सकते हो। (13 - 4) ब्रैकेट में है, गुना करना है 3 से, तो बताइए आप पहले क्या करोगे, आंसर कौन सा सही होगा, ट्राई करिए। ठीक है, इस बार अच्छी बात है कि जितने भी बच्चों का आंसर आया है, हर एक बच्चे का आंसर अब तक सही आया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया, तो अभी 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, 5 सेकंड और, क्योंकि काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दूं, अब इसे समझ, तो यहां पर दो चीज दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है और एक गुना दिख रहा है, तो पहले तो गुना करना चाहिए बाद में माइनस करना चाहिए, लेकिन यहां पर माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर है, और आपको पता है कि सर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बॉटम मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, गुना 3 किया हुआ है, ठीक है,
पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा आपका ब्रैकेट को सोल्व करना, भले ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हुआ है मतलब घटाना है। 13 में से 4 घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और 9 में 3 की गुना करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। कितनी क्लियर है बातें, कितनी बातें क्लियर है, तो वाई लिख के बताइए। अभी क्लास में इतना ही तक रखूंगा क्योंकि तो आपके समय हो चुकी है, तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप रुककर मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेट कर सकते हो।